वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया कि मैं इस आर्टवर्क का यूट्यूब वीडियो भी बनाऊं। सो बाय द वे गाइस, मेरा इस आर्टवर्क का यूट्यूब वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए। तो देर किस बात की, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 5x7 इंच का कैनवस ले लिया है एंड पेंटिंग करने से एक दिन पहले मैंने इस पे जेसो के 2 कोट्स अप्लाई कर दिए हैं। गाइज, जेसो अप्लाई करना इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट, बट अगर आप जेसो अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि फर्स्ट लेयर जब ड्राई हो जाए जेसो का तो ही दूसरा कोट अप्लाई करो। ओके, सो जेसो अप्लाई करने के नेक्स्ट डे पे मैं अपनी पेंटिंग शुरू करूंगी। सबसे पहले पेंटिंग में मैं बनाऊंगी इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में है स्काई एंड क्लाउड्स, बट एज यू नो गाइज, मैं स्काई एंड क्लाउड्स एक साथ नहीं बना सकती, यहाँ पे मुझे लेयरिंग करनी होगी। तो पहले मैं बनाऊंगी स्काई एंड देन बनाऊंगी उसके ऊपर क्लाउड्स। गाइज, मैंने ऐसे ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं अपने एक्रेलिक पेंटिंग सीरीज में, तो मेक श्योर यू वॉच इट। ओके, सो कमिंग बैक, रेफरेंस इमेज के हिसाब से स्काई पे जितने भी कलर्स हैं वैसे एग्जैक्ट कलर्स मेरे पास है नहीं, तो मुझे कलर बनाना होगा। एंड जितने भी कलर्स हैं मैं एक साथ पहले ही वो सारे कलर्स प्रिपेयर करके रख लूंगी। क्विक टिप गाइज, अगर बेस लेयर पे मल्टीपल कलर्स है तो आप सारे कलर्स पहले ही बना के रख लो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पहले एक कलर बनाते हो एंड देन उसको कैनवस पे पेंट कर देते हो एंड फिर दूसरा कलर बनाने जाते हो, तब तक आपके कैनवस पे जो पेंट किया हुआ कलर्स था वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा एंड इसके वजह से आपकी ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो अगर आप ब्लेंडिंग स्मूथ चाहते हो तो प्लीज पहले ही सारे कलर्स